उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ा दिया गया है। अभी तक शनिवार और रविवार था, अब उसका दायरा बढ़ाकर 3 दिन का कर दिया गया है। यूपी में अब 3 दिन का होगा साप्ताहिक लॉकडाउन। शुक्रवार रात से मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन रहेगा, यानी सोमवार को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। पहले सोमवार सुबह 7 बजे तक था, अब ये बढ़ाकर मंगलवार सुबह 7 बजे तक कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में साप्ताहिक जो लॉकडाउन है वो 3 दिनों का कर दिया गया है, क्योंकि केस वहां भी लगातार बढ़ रहे हैं। काल में लॉकडाउन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, लॉकडाउन की दिशा में फिर आगे बढ़ रहा है भारत। देश के कई शहरों में कल से लगा है नाइट कर्फ्यू। इंदौर, सूरत और राजकोट में नाइट लॉकडाउन लग गया है, एक तरह का नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। और बड़ा सवाल इस वक्त हर किसी के जहन में यह है कि क्या एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण अपना दायरा बढ़ा रहा है उसके बाद यह सवाल बड़ा मौजूद हो जाता है। और कुछ शहरों में कोरोना की विंटर वेव का कहर है, तो कई शहर नए सिरे से इसकी आशंका में घिरे हैं। देश में सबसे बुरा हाल तो दिल्ली का ही है, राजधानी का। अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे देश में पिछले 24 घंटे में जहां 499 लोगों की जान कोरोना से गई, वहीं सिर्फ दिल्ली में 111 लोगों की जान एक दिन में चली गई कोरोना की वजह से। ऐसे में देश के 2 मेट्रो शहरों मुंबई और दिल्ली के बीच जरा फर्क को समझते हैं, जानते हैं कि आखिर मुंबई कैसे कोरोना को कंट्रोल करने में सफल रही, जबकि दिल्ली में हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। ये समझिए, मुंबई में विपक्षी सवालों के बावजूद सरकार पाबंदियों पर अड़ी रही, क्योंकि देखिए हमारे देश में भले ही मामला सेहत से जुड़ा हो लेकिन वोट बैंक हर किसी को नजर आने लगता है, तो सरकार जब कड़े फैसले लेती है तो उसकी आलोचना शुरू हो जाती। लेकिन यहां खास बात यह रही कि सरकार पाबंदियों पर अड़ी रही और उसका फर्क अब हमें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। दिल्ली सरकार कई जगहों पर लगातार ढील देती चली गई और फेस्टिव सीजन में हमने देखा दिल्ली के बाजारों में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतने लोग उमड़े हुए थे। मुंबई में गणेश उत्सव और छठ जैसे त्योहारों पर कई पाबंदियां लगाई गईं। दिल्ली में बाजार खोलने और शराब की दुकानों के को सबसे पहले इजाजत मिली। और इसके अलावा दिल्ली में हालात बिगड़ने पर अब भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं फेस मास्क पर खासा जोर दिया गया। मुंबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर तमाम पाबंदियां लगी रहीं। मेट्रो और सरकारी बसें फुल कैपेसिटी में चलती नजर आईं दिल्ली में। तो कुल मिलाकर ये स्थितियां जो हैं ये साफ इशारा कर रही हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कम भरोसेमंद रैपिड एंटीजन टेस्ट तैयार ज्यादा किए गए, वहीं जांच के आरटीपीसीआर के भरोसेमंद तरीके को मुंबई में अपनाया गया, क्योंकि यह कहा जाता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है यही सबसे भरोसेमंद नतीजे देता है। इसके अलावा मुंबई में पॉजिटिव पाए जाते ही तुरंत अस्पतालों में लोगों को दाखिल कराया गया, लेकिन दिल्ली में मरीजों को घरों में ही रहने की छूट सबसे ज्यादा दी गई। होम आइसोलेशन पर खासा जोर दिया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी और मुंबई पुलिस ने मिलकर रणनीति बनाई, स्ट्रैटेजी बनाई, एक